देखिए, राजभर समाज उनका गुलाम नहीं है, चाहे वो संजय एक्टर संजय निषाद हो और चाहे हो ओम प्रकाश राजभर, इनका गुलाम नहीं है। इनके साथ में तब तक था जब ये इनकी आरक्षण की बात करते थे। अब ये मलाई खाने के लिए जा रहे हैं, आरक्षण नहीं दिला रहे हैं, आरक्षण भूल गए। अरे करो आंदोलन राजभर के सवाल पे। आप राजभरों को बेचने की तैयारी कर रहे हो, तो अब राजभर भी इनके साथ में नहीं है, वे कहीं जाएं। अरे वो तो सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, रात में क्या कहते हैं, जो अपने बयान ही से बदल जाते हैं, तो अब उनको क्या कह रहा है, अब उनको ही पलटू रामे कहो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने संगोष्ठी जाति जनगणना पे संगोष्ठी करके हरदोई से आगाज किया है, और ये जाति जनगणना पे संगोष्ठी पूरे सभी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सभी ब्लॉकों पे होगी। और क्योंकि समाजवादियों की मांग रही है कि संसोपाने बांधी गाठ, पिछड़े व्यापा में सौ में साठ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जाति जनगणना होना संवैधानिक भी है क्योंकि पहले भी हुई है, और अगर जाति जनगणना ठीक से हुई होती तो आज ये जो नगर पालिकाओं में आरक्षण पे लेकर जो नगर पालिकाओं के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और आरक्षण के लिए कहा है, तो ये लेट क्यों होता। तो इसलिए समाजवादियों की मांग है कि जाति जनगणना कराए सरकार, और इसी जनगणना में जो जनगणना होने जा रही उसी में कालम जोड़े, नहीं तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा करके और जाति जनगणना को उत्तर प्रदेश में और देश की सरकार को मजबूर करेंगे। अगर नहीं कराती है तो उत्तर प्रदेश और देश की गद्दी से हटाने का काम बीजेपी को समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा, क्योंकि पिछड़ी जातियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा लगातार, उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, यूनिवर्सिटियों में कुलपति नहीं बनाया जा रहा, प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा, नौकरियों में नहीं दिया जा रहा, देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, निजीकरण किया जा रहा, और ये जो बड़ी आबादी है जिसके साथ में बहुत सी जातियां हैं जिनकी आज पहचान तक नहीं है, जिनकी कोई पूछने वाला नहीं है, उनके यहाँ शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ है। देखिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पिछड़े वर्ग ने आह्वान कर दिया है ये जन आंदोलन। हमारा सवाल है समाजवादी पार्टी के आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछड़ों के मामले में अखिलेश यादव को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं, देखिए वो हमारी पार्टी के नेता हैं, और ये पार्टी समाजवादी पार्टी विभिन्न विचारधाराओं का गुलदस्ता है, इसमें अपनी अपनी विचारधारा रखने का वो है। पार्टी का मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना होनी चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसकी आबादी जितनी है उतना हक अधिकार सबको मिलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आज फिर एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति को कि रामचरितमानस में जो है कुछ जो आपत्तिजनक चौपाइयाँ हैं उनको हटा दिया जाए। अखिलेश यादव नहीं ऐसा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी तेजी पकड़े हैं उस मामले पर, क्या लगता है? नहीं देखिए, वो अगर वो कोई चौपाई बता रहे हैं तो उस पर सरकार देखे और उसको डिफाइन करे और संतुष्ट करने का प्रयास करे, अगर गलत हो तो बदलने का काम करे। और लेकिन समाजवादी की पार्टी की मांग है कि जो पुराने समय में पिछड़े दलितों को गुलाम बनाया गया, अब गुलामी की जंजीरों में ये पिछड़े दलित नहीं रहेंगे, अपने हक अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे, और इनको बीजेपी सरकार ने पिछड़े दलितों का वोट लेके अपनी सरकार बनाई और उनके हक अधिकारों पे डकैती डाल रही है, ये समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नवाबों का शहर है लखनऊ, आज चर्चा आई है कि उसका भी नाम बदला जा रहा है, लखनपुर या लक्ष्मणपुरी जो है। सरकार के पास काम क्या है, सरकार ध्यान हटाने के लिए नाम बदल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सचिवालय बना के खड़ा किया, उसमें उन्होंने मूर्ति लगा दी। अरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के थे,
उनकी मूर्ति कम से कम अपनी एक बिल्डिंग बनवाई होती, उसी में लगवा दी होती। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा सचिवालय शानदार बनाया, उसमें लगा दी, और यूनिवर्सिटी बनाने के कागज पे बनाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया अस्पताल बनाया, वो इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। सवाल हमारा ये है, लखनऊ का नाम जो है बदलने की मांग आई है, लक्ष्मणपुरी और लखनपुर। उत्तर प्रदेश और देश की जनता सरकार बदलने जा रही है। अब बहस तो इस बात की है, अब वो चाहे नाम बदले, चाहे जितना झूठा प्रचार करें, चाहे ये देश को जो बेच रहे थे वो भी उजागर हो गया। एक कंपनी को बेच रहे थे पूरे देश को, अब बेच के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके देश को गुलाम बनाया था, वैसे गुलामी की तरफ ले जा रहे थे, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे, वो भी उजागर हो गया। अब देश और प्रदेश की जनता बीजेपी को बदलने जा रही है। एयरपोर्ट पर मूर्ति लक्ष्मण जी की जो है उद्घाटन होने जा रहा है, तो नहीं देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ का एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन उन्होंने अडानी एयरपोर्ट बना दिया। ये थोड़े दिन बाद तो लोगों की पीठ पे लिख देंगे अडानी, सबके सेब पैदा करे किसान उस पे अडानी लिख दिया, रेल चले भारती उस पे अडानी लिख दिया, एयरपोर्ट और पोर्ट हमारे थे उस पे अडानी लिख दिया, खेत में गेहूँ पैदा होगा उस पे अडानी लिख जाएगा, हमारी आपकी जुबान पे भी अडानी लिखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। उनकी चीज़ें उजागर हो गई, ये देश को अडानी के हाथ बेचना चाहते थे और बेच रहे हैं। आज पूरे 14 में नाम आया और 14 के बाद दुनिया के वो दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए थे और उनकी कलाई खुल गई। ऐसे ही बीजेपी की कलाई खुल रही है, ये कितने नंबर पे जाएंगे इनका अता पता नहीं लगेगा। अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था योगी आदित्यनाथ को लेकर, उन्हें जो है धार्मिक नेता नहीं मामूली ठग है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो तो पहली बात कांग्रेस के नेता ने दिया तो कांग्रेस के नेता उस पर अपना सफाई दें, लेकिन बीजेपी तो महाठगों का गैंग है। इन्होंने तो नौजवानों को ठग लिया, किसानों को ठग लिया, बेरोजगारों को ठग लिया, व्यापारियों को ठग लिया, सबको तो ठग लिया, देश को ठग लिया, आप सब बर्बाद हैं, जानवरों तक को ठग लिया, भगवान राम तक को ठग लिया, चंदे में घोटाला कर दिया, किसानों के गाय गौशालाओं में घोटाला कर रहे हैं, गंगा माता में घोटाला कर रहे हैं, गंगा सफाई में। ये घोटालेबाजों की सरकार है, महाठगों की सरकार है, इसको जनता हटाएगी। भाई आदरणीय पदमराज सिंह पम्मू जी, भाई ब्रजेश वर्मा टिल्लू जी और बीरे यादव जी, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भाई, युजन सभा के हरनाम जी, हैज जी और धनपाल जी, शिल्पी जी, यदुनंदन लाल वर्मा जी, धर्मवीर यादव जी, विक्रम कुशवाहा जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी और हमारे शहीद भाई से लेकर यहाँ पे उपस्थित हमारे डिस्टर्बेंस हमारे जुगल वाल्मीकि जी जो मुरादाबाद से चल के आए और प्रजापति जी प्रधान बैठे हैं, कुड़ी के प्रधान बैठे हैं और कई लोग छोटे लाल कश्यप जी से लेकर सभी साथीगण हमारे लखनऊ से, बहुत से साथी संग्राम यादव जी बैठे हैं पीछे। साथियों ये संगोष्ठी, ये मांग बहुत पुरानी मांग है, इस मांग को समाजवादियों ने लगातार उठाने का काम किया और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया करते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े वे पाम सौ में सा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हमारी मांग है कि बीजेपी सरकार जाति जनगणना कराए, क्यों घबरा रही है जाति जनगणना से, और जाति जनगणना से वोट तो हमारा ले लेते हैं और जाति जनगणना क्यों आवश्यक है? आज अगर नगर पालिका के चुनाव टले हैं तो अगर जाति जनगणना हुई होती तो आज क्या नगर पालिका के चुनाव टाले जाते, टाइम पे हुए होते? हाई कोर्ट में जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की साजिश रच दी थी, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा
कि पिछड़ा वर्ग हमारा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जाके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का काम करेगा, और एसएलपी दाखिल कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और समाजवादी पार्टी ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी जो मांग रखी थी कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराया जाए, उस पर चीफ जस्टिस ने उस पर ठप्पा लगा के और सरकार को कहा कि चुनाव तभी हो जब आरक्षण की गणना हो जाए, और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि अगर जाति जनगणना पहले से ही करा ली होती, ये कोई आज नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, और जाति जनगणना पे भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, तो बीजेपी ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जाति जनगणना करा पाना कठिन काम, यही तो दिया है। अरे भाई, अभी जनगणना होने जा रही है, उसमें आप पूछोगे आके कि मोटरसाइकिल है कि नहीं है, हैंडपंप है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, ये 31 बिंदुओं पे जनगणना होगी। और तो हमारी जात भी पूछ लो, हम कश्यप हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, राठौर हैं, चौहान हैं, भुर्जी हैं, दर्जी हैं, कुम्हार हैं, पासी हैं, जाटव हैं, अरे पूछ लो क्या जा रहा भाई, साहू हैं, लोधी हैं, अरे पूछने में क्या जा रहा, नहीं पूछेंगे, कालम हटा दिया। और इस मांग को 1931 में जो गणना हुई थी उस गणना में के अनुसार 54% आबादी थी, आवाज तो बहुत। और साथ ही साथ ये जनगणना का विषय आज से नहीं है, हर 10 साल पे जनगणना होती है, और जनगणना में जातीय जनगणना अनुसूचित जात की तो होती है, लेकिन उसको भी जातिगत नहीं करते हैं। और ये अरे बीजेपी को हम भी जानते हैं, इसी हरदोई में 12 में कितने वोट पाते थे, 5,000-7,000, इससे ज्यादा वोट पाते थे क्या, बताओ पाते थे क्या? ये वोट किसका है? ये वोट हमारा है, जो बीजेपी के लोगों ने लिया है, पिछड़े दलित आदिवासियों का जो वोट लिया है उसके बदौलत बने हैं। और आज वो भूल गए हम लोगों को, हमारी जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? करें नगर पालिका में गणना करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठे नगर के लोगों से पूछना चाहते हैं, किसके घर में कोई गणना करने गया क्या, बताओ हाथ उठा के, कोई गया? नहीं गया, तो ये फर्जी गणना होके और ठप्पा लगा के हरदोई का कलेक्टर भेज देगा, और यही आरक्षण खत्म करने की साजिश। बताओ, जब तुम्हारे घर में कोई पूछने ही नहीं गया, कोई गया क्या? किसी के घर में गया हो तो बता दे भाई, पत्रकार लोगों के घर में गया हो, ये भी शहर में रहते हैं, आपके घर में कोई पूछने गया कि आप कितने परिवार में लोग हो, किस जात के लोग हो, कोई पूछने गया क्या? कोई गया किसी के घर? नहीं गया, तो ये गणना कौन सी कर रहे हैं बताए ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने के अंदर गणना करके दो आके, लेकिन जब नहीं कर रहे तो ये फर्जी, ये सरकार फर्जी है, घोटालेबाजों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और ये सरकार देश को गुलाम बनाने वालों की सरकार है। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे गैर बराबरी इतनी नहीं होनी चाहिए, जितनी गैर बराबरी उतनी आवश्यक है जितनी हाथ की उंगलियां होती है, जिससे कभी आवश्यकता पड़े तो वो मुट्ठी बन जाए। अब गैर बराबरी इतनी है, एक आदमी अरबपति बन जा रहा और एक आदमी 5 किलो अनाज पे जीवित है, बताओ, बताओ ना, और बताओ, और कह रहे हैं 5 किलो अनाज खाओ और बच्चों का भविष्य पे ताला डाल दो, ना पढ़ाई, ना विद्यालय, ना कुछ, और डकैती डाल रहे आपकी जेब पे बिजली का बिल बढ़ा के, अभी मीटर दे दिया था किसको? अडानी को, पूरा देश अडानी में जा रहा, यहाँ का भी मीटर कितने कितने रेट पे दे दिया, अभी तो उसका टेंडर कैंसिल हो गया क्योंकि सवाल उठने लगे, कई गुना बढ़ा के दे दिया,
लूट मची है। अडानी को लुटवा रहे थे, LIC दे दी, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, और LIC जैसी जिसपे सरकारी बैंकें दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ तो बेचे दे रहे हैं, सड़कें बेचे दे रहे हैं अडानी को। और अडानी बैठ गया, क्योंकि अडानी भी फर्जी था और BJP भी फर्जी है। ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। काम तो केवल माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। बताओ ना, जनगणना अगर आरक्षण दिया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, और लोग PCS नहीं बन सकते थे, जो गांव गरीब पार्टी बुद्धिका से पढ़े लोग PCS नहीं बन सकते थे, क्योंकि पार्टी बुद्धिका में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। हम लोग पढ़े हैं टाट भट्टी वाले स्कूल से, बताओ बताओ ना, टाट भट्टी बोरी लेके जाते थे, तो अंग्रेजी कंपलसरी थी। अंग्रेजी को भी हटाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, तब लोग PCS बन रहे हैं और कलेक्टर बन रहे हैं। तो इसलिए ये जन आंदोलन की शुरुआत हरदोई से हुई है। मैं हरदोई के लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे विषय पे चर्चा, जो जाति जनगणना विषय पे चर्चा जो आज छिड़ी है, उसमें वो लोग भी बैठे और हमारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, ये भी आपके आंदोलन में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि सबकी जाति जनगणना हो जाए, आबादी के हिसाब से सबको हक का अधिकार दे जाए, किसी के जात से न लड़ाया जाए। कह दिया सरकार जब माननीय अखिलेश यादव जी की थी तो कश्यप जी को बुलाया, कान में फूंक दिया BJP वालों ने, कहीं कलेक्टर तो सब यादव है, कश्यप जी तुम्हें क्या मिल रहा, तो हमारी पार्टी में आओ, तुम्हारे लड़कों कलेक्टर बनाएंगे, यही तो समझाया। तो हम पूछना चाहते हैं कितने कलेक्टर कश्यप के बना दिए, बता दो ना। राम कुमार जी आप तो वकील साहब पढ़े लिखे हो, कैसे बताओ ना, कोई है क्या शिवचरण कश्यप जी? नहीं है। तब वोट सबका ले लिया, लोधी जी को समझा दिया, भुर्जी को समझा दिया, नाई को समझा दिया, राठौर को समझा दिया, अरकवंशी को समझा दिया, और ये पता है सबको समझा के और काम किसके लिए कर रहे हैं? ये देश की जनता किसी न सवर्ण के, न पिछड़े के, न अगड़े के, एक दो उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, दो उद्योगपतियों के लिए। आज महंगाई इतनी है कि दो वक्त की मिडिल क्लास अपनी इज्जत छुपा रहा, मिडिल क्लास लोअर कास्ट 5 किलो अनाज मिल जा रहा, खा रहा। जो जाति जनगणना भारत में जब जनगणना हुई 1865 से 1872 के बीच में अलग अलग हिस्सों में पहले चालू हुई थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से 1872 में जब जनगणना हुई उसमें जात का भी कालम था, धर्म का भी कालम था। लेकिन उसके बाद में 1881 में हुई, 1891 में हुई, 1901 में हुई, 1911 में हुई, 1921 में हुई, 1931 में हुई और 1941 में हुई जनगणना, उसमें भी जात का कालम था। और 1951 में जनगणना होने जा रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री थे, उन्होंने भी जात का कालम उसमें जुड़वाया था, लेकिन उनकी मौत हो गई, यह समय जात का कालम हटा दिया गया 1951 में। और इसके बाद में 1961 और 72 में भी जात जनगणना नहीं हुई, 1981 में दोबारा कालम जोड़ा गया, लेकिन 1991 में फिर कालम हटा दिया गया जाति जनगणना का। और 2001 तथा 2011 में जनगणना में जाति जनगणना नहीं हुई, उसमें भी नहीं हुई, और मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू की गई थी तो 1931 की गणना के अनुसार 54% आबादी थे, उसमें हमें 27% आरक्षण दिया गया था, 1931 की गणना ली गई थी। और 7 फरवरी 2020 को भारत सरकार की तरफ से 2021 की जनगणना होने के लिए अधिसूचना जारी हुई है, उसमें हमारी मांग है जात जनगणना का भी कालम जोड़ा जाए और जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी भी लगातार मांग कर रहे हैं और
भारत में लगभग पता है 3000 पिछड़ी जातियां हैं, 3000, और ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से रहती है, जिनकी आबादी लगभग 50 से 60, 54 तो तब थी, अब तो पता नहीं कितनी हो गई होगी। और हम 60 ही जो मांग थी संसोपा ने बांधीगा पिछड़े पावे सौ में साठ उस जमाने में, तो हमारी वही मांग है। और इतनी बड़ी आबादी की जनगणना ना करा के ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहे, और हम हमारे नेता की मांग है कि जाति जनगणना हो। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में भी उठाया, हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान में व्यवस्था दी है वो भी हकदार नहीं मिले। आज तो हमारा जात का कालम हटाया है, कल ये आरक्षण भी खत्म कर देंगे। और ये आरक्षण आपने देखा होगा, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण अगर किसी ने दिया था, प्रधानी में अगर आरक्षण किसी ने दिया था, वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने आरक्षण दिया था। नहीं तो पिछड़े का बेटा, राठौर का बेटा, भुर्जी का बेटा, कश्यप का बेटा प्रधान नहीं बन सकता था, नहीं बन सकता था पिछड़ी जातियों का बेटा। अगर छोटी छोटी बिरादरियों के लोग प्रधान बन रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, आज एक कश्यप का बेटा अगर ब्लॉक प्रमुख बना है यहाँ, तो वो समाजवादी पार्टी की देन है कि ब्लॉक प्रमुख बना। हाँ, और आरक्षण ने लागू किया होता, पार्टी ने चुनाव ने लड़ाया होता, तो कहां से बन जाता कश्यप का बेटा? अगर राज्यपाल कश्यप बने तो ये संविधान में माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादियों की देन। इसलिए अगर मंडल कमीशन की सिफारिश से जब मंडल कमीशन लागू किया गया तब भी यही बीजेपी के लोग विरोध करते थे, याद करो, यूनिवर्सिटियां जला दी, कॉलेज जला दिए, सड़कें जला दी, और मजबूर कर रहे थे कि ये सरकार बर्खास्त हो जाए। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा हम मंडल कमीशन की सिफारिश से वापस नहीं लेंगे, चाहे हमारी सरकार कुर्बान हो जाए, ये लड़ाई लड़ने का काम किया। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हमारे पिछड़े लोग पढ़ रहे हैं, ये देन माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों की है कि आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिला। लेकिन अब आपके दरवाजे बंद करने की साजिश बीजेपी रच रही है, और पिछड़ों की बात केवल पिछड़ों ने ही नहीं की है, पिछड़ों की बात अगड़ी जातियों ने भी बैठे हुए समाजवादी सोच के नेताओं ने करने का काम किया है, चाहे पंडित जनेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे मोहन सिंह जी हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो रहे हो, उन लोगों ने पिछड़े, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी है कि जो कमजोर वर्ग हो उनको विशेष अवसर का लाभ देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया, उसका हमने विरोध नहीं किया, लेकिन हमें मत लड़ाओ जातियों में, हमारे जातियों में अखिलेश जी की सरकार बन जाए, एक जात के बता देंगे, एक जात के कलेक्टर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, गणना कर लो, बीजेपी जारी कर दे कि उत्तर प्रदेश में कलेक्टर किस किस जात के हैं, सब जिलों का जारी कर दे, एसपी किस किस जात के लोग हैं, थानेदार किस किस जात के लोग हैं, आप जारी कर दीजिए, कितने यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर किस जात के लोग हैं, पिछड़े लोग क्या हैं, नहीं है कुलपति, कुलपतियों की सूची जारी कर दें। हमारी यही मांग है, समाजवादियों की मांग है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में, पूरी सभी विधानसभाओं में, सभी ब्लॉकों में जाके संगोष्ठी करके, जागरूक करके एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि जाति जनगणना कराओ, अगर जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो इनका सफाया भी 24 में तय है। ये वर्मा जी है, ये दोनों हरदोई जनपद को जो है इनाम के रूप में दिया है, इस धरती पर मैं दोनों नेताओं का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनके नेतृत्व में दोनों लोगों के हरदोई जनपद में
आने वाले समय में कहने की सिर्फ बात है कि फर्जी बात करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आप लोगों ने देख लिए, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि दोनों को नेता है और आएंगे। वो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए अगर सत्ता नहीं तो कुछ नहीं, हम जितने भी आंदोलन करें जो भी अपनी आप लोग यहाँ बैठे आज हमारे भाई सब यहाँ पर बैठे हैं पछता रहे हैं कि हमने गलत जगह वोट दे दिया। 2024 में ये सब परीक्षण हो रहा है। अगर आप लोग नाते रिश्तेदारी जहाँ कहीं पहुँच जाते तो आपकी सरकार बनती। आप लोगों के हाथ में कमान है और 2024 में भाजपा को उठा के फेंकना है, क्योंकि भाजपा कूटनीत की चाल चल रही, तुमको बहकाएंगे और बहकाने में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में वोट तुम्हारा गिरा देंगे। अगर दोबारा पुनः 2024 में अगर ये सरकार बन गई तो इन्होंने देश बेच लेंगे, देश चुनाव कभी नहीं होगा, देश बाहर विदेशों में एक ही नेता रहता। तो भाइयों, आप लोग सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे बैठे हैं, हर समाज के आदमी बैठे हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य हो, हर जात का आदमी यहाँ बैठा है, हमारा परिवार बैठा हरदोई जिले का। तो भाइयों, मैं आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये देश दूसरे के हाथ मत जाने देना। 2024 में आपकी सरकार बनानी है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सरकार आपकी ही बनेगी। उन्होंने ऐसी कौन चीज है जिन्होंने बेच ना ली हम मिलके? आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, भाजपा की कूटनीति की चाल है, वोट लेना कैसे जानते हैं? अगर तुम्हारा वोट की कीमत कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे वोट की कीमत 10 करोड़ हो सकती, तुम्हारे वोट की कीमत दावत 50 करोड़ हो सकती, 100 करोड़ की भी हो सकती, वोट की कीमत आप लोग पहचानिए, जानिए। ये गल्ला दे रहे हैं, गल्ला इनकी देन नहीं है। आप लोग जानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो आज दुनिया में चाचा नहीं रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, इन्होंने राशन गरीबों को चालू किया था और सबके हित में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इन्होंने लकीर खींच रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे यानी समाजवादी पेंशन है, उन्होंने ही यह सब शुरू की। उसको उन्होंने रगवा पुतवा दिया, बता दी कि भारतीय जनता पार्टी बाबा जी ने चलाई। उन्होंने एक जमीन पर काम किया होगा, करा हो तो वो बताए, एक काम नहीं किया। तो भाइयों, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन के आने वाले, भले चाहे एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए का चुनाव है, इस बार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय समाजवादी। आप लोगों संगोष्ठी के बारे में अपने विचार रखेंगे ताकि सभी को हमको बोलने का मौका मिल कर देंगे। हम डॉक्टर गजेंद्रलाल वर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि अपनी बात निर्देश दिया गया है कि हम लोगों को संक्षिप्त बात रखनी है तो केवल एक कविता सुना करके बोलना चाहता हूँ। इस देश की आजादी में मुसलमानों का क्या योगदान था? बहादुर शाह जफर माता स्मरणीय बहादुर शाह जफर के दो लड़कों का ही थी, खून बह रहा था। बहादुर शाह जफर से कहा गया 1857 की क्रांति तुम्हारे नेतृत्व में हुई, इसलिए तो माफी मांगो। जी विधायक जी, सबको बोलना है तो कोई बात वो बोलो जिससे जाति जनगणना कैसे हो, और संक्षिप्त में एक दो बात करके, क्योंकि कई लोगों के विचार आने हैं, उसके बाद विधानसभा भाग संगोष्ठी चलेगी, उनमें विधानसभा के सभी नेता अपना अपना विचार रखेंगे। ये तो आज शुरुआत हुई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लोगों ने कहा स्वागत, हमने स्वागत नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ है कि पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं सभी ब्लॉकों में जाति जनगणना पे संगोष्ठी होगी, उसकी शुरुआत हरदोई से हुई है और हरदोई से हुई है। हमें उम्मीद है कि हरदोई इतनी कम सूचना पे, इतना जनसैलाब सड़कों पे,
जातीय जनगणना के लिए निकला है तो निश्चित तौर पे जनता में जागरूकता है जातीय जनगणना के लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सब लोग संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और अपने विचार रखेंगे। और मैंने बताया विधानसभा वार चलेगा अभियान, उसमें सबकी बातें आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सब लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सांसद जी का स्वागत करता हूँ कि ये राष्ट्रीय कमेटी ने राष्ट्रीय सचिव बनी है, इनका ताली लगा के स्वागत करिए। और हम भी रिन्यूवल हो गए, इसलिए चलो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये मौका मिला है। और की पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सभी जातियों के लोग मिलके इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, यही संकल्प लेके जाना है। भैया पीछे हो जाओ, पीछे किया गया है, सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खाली है और आप सब लोग बैठेंगे तो सब भर जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से जिनने बहुत से साथी पीछे अंदर कार्यालय में बैठे हैं वो लोग कुर्सी पर बैठ जाए, मैं सामने पर बैठ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हैं, वो कुर्सियां पड़ी बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप ही लोगों के लिए तो व्यवस्था है। ये पीछे खड़े हैं बहुत से साथी लोग, हेलो भैया अब अनुरोध करेंगे। हाँ तो भैया 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 मोबाइल पीछे कर लीजिए भाई साहब। ऐसा है बड़ा विधान माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे ये पूरे प्रदेश में चलेगा, जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जन आंदोलन खड़ा करके बीजेपी को खाद फेंकने का